वेलकम टू माय चिड़िया कुकिंग चैनल। जी व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। आज की जबरदस्त सी रेसिपी है चने की दाल की पंजीरी, जो के दिमागी प्रॉब्लम जितने भी होते हैं, खिंचाव होता है, दर्द होता है या हड्डियों में प्रॉब्लम होता है, पूरी बॉडी के लिए बहुत ही जबरदस्त ये टॉनिक, इसको समझ लें, इसको आप दवाई समझ लें या इसको आप चस्का भी समझ लें कि खाने में इंतहाई मज़ेदार है। ये अल्लाह बख्शिश फरमाए, ये मेरी अम्मी जान का तरीका है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इसको बनाना तो मुश्किल है, यानी भूनना बहुत मुश्किल है, मगर अगर आप मेरे तरीके से, यानी मेरी वालदा की रेसिपी, वो बनाया करती थी इस तरह दिमागी प्रॉब्लम्स के लिए, बच्चों के दिमाग को कंप्यूटर तकरीबन ये बना देती है इस तरह की पंजीरी, अगर आप बच्चों को, अपने पढ़ने वाले बच्चों को देंगे या जिनको कोई प्रॉब्लम है पटों का और जिस्मानी थकावट और इस तरह के प्रॉब्लम्स का, तो उसमें ये पंजीरी अगर आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही फायदा है। इसको दवाई के तौर पे रात को 2 चम्मच दूध के साथ या चाय के साथ भी आप ले सकते हैं। इसके बाद अगर पानी ना पिए तो बहुत बेहतर है। मैंने सारी एहतियातें आपको बता दी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी के। ये चना दाल पंजीरी मैंने कैसे बनाई। चने की दाल की पंजीरी बनाने के लिए दाल ले ली है 1 kg। ये चने की दाल है, साफ सुथरी है, इसको मैंने चुन लिया। चुन लेने के बाद हमने इसको पानी डाल के अच्छी तरह से धोना है। 3 से 4 दफा पानी डालेंगे और हाथों से इस तरह घुमा के इसको अच्छा सा साफ करेंगे। फिर इस पानी को फेंक के फिर दूसरा पानी डालेंगे, फिर उसको भी इसी तरह अच्छी तरह से मल के धो के फिर उसको भी फेंक के फेंक देंगे। और इस तरह करते हुए हम 4 मरतबा इसमें से पानी निकालेंगे। दाल को मैंने तकरीबन 4 से 5 पानियों में धो लिया, यानी बार बार इसको मसल मसल के धोना पड़ता है, इसलिए कि बाजार वालों ने थोड़ा सा रंग भी दिया होता है दाल को अच्छा कलर देने के लिए। तो इसलिए आपने, जब तक के पानी बिल्कुल क्रिस्टल वाइट ना हो जाए, तो तब तक आपने दाल को धोना है। तो इसके बाद हमने इसको दूध में सोक करना है। दाल को हम दूध में भिगोएंगे। दूध जो है वो मैंने बॉईल करके बिल्कुल ठंडा कर लिया है, यानी रूम टेम्परेचर पे है। तो इसमें हम अपनी धुली हुई दाल सारी की सारी डाल देंगे और इसको हम तकरीबन रात भर के लिए इसको भिगो देंगे। दाल हमने इसी में सोक करनी है, यानी दूध इतना होना चाहिए कि जब आप इसको डिप करें तो तकरीबन 1.5 इंच ऊपर दूध होना चाहिए जो इसको बिल्कुल सोक कर लेगा। तो इस तरह करते हुए बस हम इसको हलाएंगे और रात भर के लिए फ्रिज में छोड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है लाहौर में मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो भाई रूम टेम्परेचर पे आपने नहीं छोड़ना है, इसको फ्रिज में छोड़ना है। तो मिलते हैं फिर कल कि दाल हमारी कैसी होती है, यानी अभी रात को मैंने इसको भिगोया है तो कल इसको हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इतनी देर में हम इसको फ्रिज में ही छोड़ेंगे। रात भर दाल को दूध में भिगोने के बाद दाल देखिए हमारी काफी फूल गई है और दूध काफी कम हो गया, यानी 2 इंच ऊपर था हमारा दूध जितना हमने 1.5 लीटर इसमें डाला था, तो हमें ऐसे ही चाहिए था। तो बस अब इसको ब्लेंड करना स्टार्ट करते हैं। आप चाहें तो इसको चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं, अगर चॉपर नहीं है तो ब्लेंडर में बहुत ही आसानी से ये ब्लेंड भी हो जाएगा। तो ब्लेंडर में इसको ब्लेंड करना स्टार्ट करते हैं। दाल को हमने ज्यादा भर के नहीं डालना, बस थोड़ा थोड़ा सा ही डालना है, यानी आसानी से हमने इसको ब्लेंड कर लेना है। और थोड़ा सा दूध आपके जैसे नजर आ रहा होगा, जो इसमें दूध था वही हमने यूज करना है और दूध हमने नहीं डालना, इतने दूध में ही हमने इसको ब्लेंड करना है और पल्स पे इसको चलाना है, यानी कंटिन्यूसली नहीं चलाना, बिल्कुल बारीक और महीन नहीं करना। तो हमने इसको ददरा से ही रखना है, तो इस तरह पल्स के हम इसको चलाएंगे। ब्लेंडर में इसको पल्स पे चलाते हुए देखे इस तरह की हो गई है, यानी बिल्कुल महीन पेस्ट नहीं बनानी, इस तरह ददरी सी रखनी है। तो बस इसी तरह सारी दाल मैं ग्राइंड कर लेती हूँ, तो दिखाती हूँ आपको। सारी दाल ही मैंने ब्लेंड कर ली है, देखिए माशाल्लाह आपके सामने है इसकी लुक, इस तरह की ददरी सी होनी चाहिए, बिल्कुल महीन नहीं होनी चाहिए। तो अगला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, तो मैं दिखाती हूँ आपको। दाल को पीसने के बाद हम इसका फ्राइंग का काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने ड्राई फ्रूट वगैरह डालने हैं उसमें ये गोंद भी होगी, गोंद तकरीबन 250 ग्राम है। ये इतनी मोटी मोटी आपको नजर आ रही है, इतनी मोटी हमने फ्राई नहीं करनी, अगर हम इतनी मोटी को फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएगी, तो हमें कच्ची नहीं चाहिए। बस हमने इसको मोटा मोटा सा कूटना है, यानी 3-3 4-4 टुकड़े हो जाए, इस तरह छोटा छोटा सा हमने इसको
पीस लेना है, छोटा छोटा सा बिल्कुल हमने करना है, ज्यादा मोटे मोटे नहीं, थोड़े थोड़े से छोटे चंक्स रह जाएंगे तो इसको फ्राई करेंगे, तो इसको मैं छोटे छोटे चंक्स में कन्वर्ट कर लेती हूँ। फ्राई करने के लिए हमने देसी घी यूज करना है, देसी घी तकरीबन 1 kg मेरे पास है घर का, तो तकरीबन हमने थोड़ा थोड़ा सा इसमें डालना है और चीजों को हमने फ्राई करना स्टार्ट करना है। यानी हमने इसमें सबसे पहले गोंद करेंगे, ये थोड़ा ज्यादा है, जो ज्यादा हो वो निकाल लें। तो थोड़े से घी में सबसे पहले गोंद जो हमने अभी कूटी है इसको डाल देंगे और धीमी आंच पे इसको फटाफट से हम फ्राई करेंगे। फौरन ही ये फूलना शुरू हो जाएगी, यानी ये डबल हो जाएगी और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। तो हमने इसको सॉफ्ट करना है, इस तरह चम्मच चलाते हुए हमने इसको फूलने की हद तक करना है, जब तक के फूल फूल जाएगी ये फूल, तो फिर हम इसको छोड़ेंगे। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा घी हम यूज करेंगे, बाद में हम जो दाल के लिए है उसके लिए हमें ज्यादा घी चाहिए होता है, इन चीजों के लिए थोड़ा थोड़ा घी डाल के हमने फ्राई करना होता है। तो बस फूल फूलती है जब तक, तो मैं आपको दिखाती हूँ। गोंदे हमारी फ्राई हो गई हैं और देखें फूल गई हैं, यानी फूल फूल से बन गए हैं और मिकदार में देखें डबल से भी ज्यादा हो गई हैं। तो बस हमें इसी तरह की चाहिए थी, ये सॉफ्ट हो जाती हैं, हाथों से भी क्रश हो जाती हैं, तो इसी स्टेज पे हमने इनको निकाल लेना है। फ्राई में फिर से एक चम्मच देसी घी मैंने डाल दी है और तकरीबन ये भी 250 ग्राम है, इसको चारे बक्स करते हैं, तो ये भी डाल देते हैं। इनको भी हल्का सा हम रोस्ट करेंगे, यानी कलर नहीं चेंज होने देना, हमने हल्का सा रोस्ट ही करना है इसको, बिल्कुल तकरीबन 1 से 2 मिनट ही लगेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने ये काम करने हैं बहुत नॉर्मल से। चारे मग भी हमारे रोस्ट हो गए हैं, सिर्फ 1-2 मिनट लगे हैं, बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसी तरह के करने हैं, तो इनको भी निकाल लेते हैं। अभी बाकी जो थोड़ा सा ऑयल है तो इसमें बादाम रोस्ट कर लेते हैं। बादाम हमारे 1 पाव है, इस तरह की मैंने बड़ी गिरी ली है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक बादाम इस्तेमाल कर सकते हैं, और ड्राई फ्रूट की तादाद मिकदार आप ज्यादा भी कर सकते हैं, अपनी मुताबिक ज्यादा भी डाल सकते हैं। तो मैं जितनी दाल है उसके हिसाब से मैं डालूंगी, तो इनको भी हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। बादाम को भी 1 से 2 मिनट के लिए हमने भून लिया है, तो बस इस स्टेज पे बादाम भी हम निकाल लेते हैं सारे के सारे। खोपरा मैंने लिया था 1 पाव यानी नारियल, तो इसको कद्दूकस कर लिया था, कद्दूकस किया हुआ अच्छा लगता है, यानी चंक्स जब मुंह में आते हैं तो बहुत ही जबरदस्त से लगते हैं। आप चाहे तो इसको आप फाइन पाउडर भी बना सकते हैं, मगर देखा जाए तो इन चीजों में थोड़े थोड़े से चंक्स जो होते हैं वो अच्छे लगते हैं। तो इसको ड्राई रोस्ट इसलिए करती हूँ कि इसमें अपना ऑयल ही काफी होता है, तो इसलिए हल्का सा हमने ड्राई रोस्ट करना है इसको बस 1 से 2 मिनट के लिए। को भी हमने तकरीबन 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लिया है, तो हमें इसी तरह का चाहिए था, तो बस इसी स्टेज में इसको भी निकाल लेते हैं। चीजें हमने रोस्ट की थी तो इनको अब दरदरा सा हमने कूटना है। सबसे पहले मैं गोंद डालूंगी इसमें और इसको भी हमने बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना, यानी दरदरा रखना है। देखें ये खुद से इतनी सॉफ्ट हो जाती है कि हाथों से इस तरह भुरभुरी हो जाती है। इसमें देखा जाए तो कोई इतना टाइम नहीं लगता और ना ही इतना जोर लगता है, बस हल्का हल्का सा हमने इसको दरदरा सा पीस लेना है इस तरह करके। गोंद को हमने देखे इस तरह दरदरा सा पीस लिया है, बिल्कुल महीन पाउडर नहीं बनाया, तो इसी स्टेज पे इसको भी हम निकाल लेते हैं। बादाम जो हमने रोस्ट किए थे इनको भी हमने दरदरा सा कूट लेना है, यानी बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना, बस मोटे मोटे से चंक्स हमने रखने हैं इसके, तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता से हमने इनको दरदरा सा कूट लेना है। बादाम को भी मोटा मोटा सा हमने देखे इस तरह का रखना है, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं हमने बनाना, तो इसको भी निकाल लेते हैं। चारे मग जो हमने रोस्ट किए थे तो लास्ट में ये भी डाल देते हैं और इनको भी हमने दरदरा सा कूट लेना है, यानी बिल्कुल फाइन पाउडर हमने किसी भी चीज का नहीं बनाना, तो बस दरदरा सा इसको भी हम पीस लेते हैं। चारे मग्स को भी दरदरा सा हमने कूट लिया है, याद रहे कि किसी भी चीज को आपने फाइन पाउडर नहीं बनाना, तो इसको भी निकाल लेते हैं। कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया, घी हमने एक ही दफा ज्यादा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके हमने डालना है, और इसमें हमने जो दाल पीस के रखी थी दूध में भिगोने के बाद इसको पीस लिया था, तो इसके हमने एक किस्म के पकोड़े टाइप ही बनाने हैं। इस तरह हम इसको साथ साथ फैलाते जाएंगे क्योंकि गोल नहीं बनाने, और आंच को हमने मीडियम टू लो ही रखना है ताकि ये अंदर तक पक सके, तो इसलिए हमने इसको लाइट सा कलर देना है, लाइट ब्राउन दोनों तरफ से कलर देना है। तो इस तरह करते हुए जितने पकोड़े एक टाइम में पॉसिबल है तो मैं इतने डाल देती हूँ।
तकरीबन 2 से 2.5 मिनट हो गए हैं, तो इसकी साइड पलट के देख लेते हैं। तो इसी तरह के हमने सारे ही पकोड़े या ये दाल कह ले, हमने इसको इतना ही कलर देना है। तो अभी जैसे जैसे दूसरे भी होंगे तो इसी तरह हम पलटते जाएंगे और इसको एक अच्छा सा कलर दे लेंगे। देखिए माशाल्लाह आपके सामने है, दोनों तरफ से ही हमने कलर देना है और इतने में ये अंदर तक इंशाल्लाह पक जाएगी। जितनी कुक होनी चाहिए हमें उतनी ही चाहिए, दोबारा भी हमने इसको कुक करना है। तो बस इसी तरह सारे पकौड़े मैं तैयार कर लेती हूँ। जो जो दोनों तरफ से ब्राउन हो गए हैं इनको हम निकालते जाएंगे और जो अभी लाइट है इनको फिर पलट देंगे। यानी ये देखिए इस तरफ से थोड़ा सा लाइट है तो इसको अभी मैं थोड़ा सा और टाइम दूंगी। जो ब्राउन हो गया है तो इसको मैं निकालती जाऊंगी। दाल के पकोड़े दोनों तरफ से ब्राउन हो गए हैं तो ये सारे के सारे मैं निकाल लेती हूँ और बाकी के भी मैं इसी तरह फ्राई करते हुए तैयार कर लूंगी। इसके बाद मैंने क्या करना है मैं दिखाऊंगी आपको। दाल के पकोड़े जो हमने निकाले हैं तो बस फिर से हमने इसको तोरी में डालना है और इनको भी हमने फिर से दोबारा से कूट लेना है। ये काम आपने गरम गरम को ही करना है, तो साथ साथ बनाते जाए, साथ साथ बिल्कुल इनको फिर दोबारा कूटते जाए क्योंकि हमने फिर से इसको फ्राई करना है। तो इस तरह दाल का हलवा बनाने में हमें आसानी होती है, इसका तरीका यही होता है। तो सारे पकौड़े मैं दोबारा से इस तरह कूट लूंगी, बनाती जाऊंगी और इनको साथ साथ कूटती जाऊंगी मोटा मोटा सा। तो बस देखें ये हमें ऐसे ही चाहिए, तो इनको मैं निकालती जाती हूँ। दाल के जो हमने पकौड़े बनाए थे इनको अच्छी तरह से भून लेने के बाद अब उसी कढ़ाई में जो दाल हमने फिर से कूट ली थी तो ये डाल देते हैं। आप चाहें तो सारी की सारी एक दफा डाल दें, मैं कोशिश करूंगी कि मैं भी एक ही दफा डाल दूं और इसको फिर से भूनना स्टार्ट कर, तो मैं डाल लेती हूं जितनी एक टाइम में पॉसिबल है। दाल के पकौड़े बनाने का यही मकसद था कि हमें भूनने में आसानी हो। तो अब इस स्टेज पे जैसे की कंडीशन इसकी आपको नजर आ रही है तो आप इसको आराम आराम से भूनेंगे तो ये नीचे नहीं लगेगी, फ्राई के पैदे में नहीं लगेगी। हमारा मकसद यही था कि अगर दाल को हम घी में डाल देते तो उसको भूनना बहुत ही मुश्किल बल्कि नामुमकिन होता है। तो इसका तरीका यही होता है कि आप पहले पकौड़े बनाए, फिर उनको कूट लें और फिर इसको भूनना स्टार्ट करें। तो बस इस स्टेज में हम इसको मुसलसल धीमी आंच पे मैंने इसको मुसलसल 20 मिनट चम्मच चलाते हुए भून लिया है। तो देखे हमारे पैंदे में बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई दाल लगी नहीं है, यानी काली नहीं हुई, इसलिए चम्मच आपने कंटिन्यूसली चलाना है। और इसी स्टेज पे अब 20 मिनट भूनने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी चीनी। चीनी मैं इसमें 2 कप भर के यूज कर रही हूँ। आप अपनी मर्जी के मुताबिक चीनी कम या ज्यादा कर सकते हैं, या इसकी जगह पे आप ब्राउन शुगर, शक्कर या गुड़ को कूट के भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी पे है। तो चीनी इंशाल्लाह फिर से हम 5 से 6 मिनट इसको मैं भूनूंगी मुसलसल चम्मच चलाते हुए, तो चीनी खुद ब खुद ही डिजॉल्व हो जाएगी। हमें पाउडर बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तरदुत करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो बस फिर से चम्मच चलाते हुए मैं इसको 5 मिनट के लिए दोबारा से इसको भून लेती हूँ। चम्मच को आपने छोड़ना नहीं है किसी भी स्टेज पे। चीनी को मुसलसल 5 मिनट के लिए मैंने चम्मच चलाते हुए मिक्स कर लिया है। मैंने इसको टेस्ट करके देखा है, चीनी का दाना बिल्कुल खत्म हो गया है, तो हमें ऐसे ही चाहिए था। तो तकरीबन ड्राई फ्रूट जितने भी मैंने काटे थे वो एक ट्रे में है, यानी कूटे थे, तो ये डाल देते हैं और ये डाल के फिर से हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फ्लेम को अभी बिल्कुल मैंने लो पे रखा हुआ है, यानी बिल्कुल बंद नहीं किया मैंने। तो इसको हम पकड़ के इसको दोबारा से अच्छी तरह से एक किस्म का 1-2 मिनट के लिए हमें भूनना ही पड़ेगा, फिर ही जाके ये मिक्स होगा। माशाल्लाह आपके सामने ही है जितने भी ड्राई फ्रूट थे, आप चाहे तो जो जो आपको पसंद है ड्राई फ्रूट आप वो डाल सकते हैं। मेरे पास जितने अवेलेबल थे तो उतने मैंने डाले हैं। तो इस तरह करते हुए मैं अच्छी तरह से फिर से मिक्स कर लेती हूँ 2 मिनट के लिए। ड्राई फ्रूट को देखें अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है और फ्लेम को कर दिया है ऑफ। फाइनल लुक आपको नजर आ रही है, तो दिखाती हूँ मैं इसको डिश आउट करके।
तो ये था मेरा आज का तरीका चना दाल पंजीरी बनाने का, जो कि बहुत ही मजेदार और शानदार है। मैं कभी भी नहीं ये कहूंगी कि ये बनाना बहुत आसान है, 1 घंटे में बन जाता है या 2 घंटे में बन जाता है। इसको बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत दरकार होती है अपने प्यारों के लिए और अपनी जिस्मानी हफाजत के लिए। हम ये अगर सर्दियों में बना के खाएं तो तकरीबन ये एक किस्म का बहुत जबरदस्त सा टॉनिक है जो हमें डॉक्टरों से दूर रखेगा और जिस्मानी प्रॉब्लम जो थकावट, पट्टों का खिंचाव और हड्डियों का दर्द जो होता है और दिमागी जो जितने भी प्रॉब्लम होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए आप ये लाजमी रेसिपी बनाएं मेरे तरीके से, तो इंशाल्लाह आप भी दाद ही पाएंगे और मजा भी पाएंगे और सेहत भी पाएंगे। तो उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। इसको मुकम्मल फॉलो कीजिएगा, वॉच कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।